दोस्तों, चीन ने गलवान घाटी में अपने कुछ सैनिक और वाहन अग्रिम मोर्चे से पीछे हटा लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने के लिए 22 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसमें चीन की सेना ने एलएसी पर अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने जवानों को पीछे हटाने का आश्वासन दिया था। इसके मुताबिक चीन ने गलवान इलाके में अपने कुछ सैनिक और वाहन पीछे हटा लिए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है और 15 जून की रात यह तनातनी गलवान घाटी में चरम पर पहुंच गई थी और इसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। इनमें 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसमें चीन के भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन चीन ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद तनाव कम करने के लिए 22 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। इसमें चीन ने मौजूद पोजीशन से अपने सैनिकों को पीछे हटाने को कहा था। वहीं सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में दो मर्सिडीज कारें दिखाई दे रही है। इसमें साफ है कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सेना के मुख्य अधिकारी वहां पहुंचे थे और ऐसा लगता है कि वह ये देखने आए थे कि भारतीय सैनिकों के साथ 15 जून की रात को हुई हिंसक झड़प में पीएलए को कितना नुकसान हुआ है। साथ ही वहां कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथ ही वहां कुछ घायल सैनिकों के इलाज के लिए आनन फानन में फील्ड हॉस्पिटल भी बनाया गया है। वहीं दोस्तों, सैटेलाइट से मिली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी की तस्वीरों के आधार पर कहा था कि चीन के सैनिक अग्रिम मोर्चों से पीछे हट गए हैं और चीन भले ही आधिकारिक तौर पर इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने उसकी पोल खोल दी है। माना जा रहा है कि इस झड़प में कुछ चीनी सैनिक इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था तथा यहां पर उन्हें सड़क मार्ग से भी नहीं ले जाया जा सकता था। यही वजह थी कि घायल सैनिकों के लिए इलाज के लिए आनन फानन में फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया। इससे साफ है कि चीन की सेना को गलवान घाटी से 5 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया गया है। यह जगह PP-14 के करीब है। चीन ने यहाँ नदी के पानी के रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ताजा तस्वीरों में पानी साफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मई के शुरुआत की तस्वीरों में गोंगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में भी चीन की सेना ने पगडंडियों के पास तंबू बनाए थे, लेकिन ताजा तस्वीरों के मुताबिक भारतीय सेना ने उन्हें वहां खदेड़ दिया था। अब वहां भारतीय सेना के तंबू दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 और 6 मई को झड़प हुई थी। इसमें दोनों तरफ के कई जवान घायल हुए थे। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी और आखिर 15 जून को यह तनातनी गलवान घाटी में अपने चरम पर पहुंच गई और दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या चीन पीछे हट सकता है? आप अपना व्यू कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।